हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट था। जैसे हम लोग ने एस फेज पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग G2 फेज पढ़ेंगे, उसके बाद एम फेज पढ़ेंगे। एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो G2 फेज, ठीक है। G2 फेज में क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो। मैंने आपको बताया था कि मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल है, और ये सेल G1 फेज में है, फिर ये S फेज में है, फिर G2 फेज में आएगा, फिर M फेज में जाएगा, राइट। इतना होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि जितने भी प्रोटीन बनेगा S फेज के लिए, जितने भी प्रोटीन बनेगा S फेज के लिए, सब G1 फेज बना के देगा। और जितने भी प्रोटीन बनेगा G2 फेज में, सब किसके लिए बनेगा, वो M फेज के लिए बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, इसी को तो सेल साइकिल बोलते हैं। और ये सब इरिवर्सिबल है। कोई अगर किसी में S फेज कर रहा है तो वो फिर G1 फेज में नहीं जाएगा, कोई G2 फेज में होगा तो वो फिर S फेज में नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सेल जो है रिटर्न आए। सिर्फ एक ही स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है वो G1 से वो चला जाता है G0 में, ठीक है। G1 से चला जाता है G0 में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पे अगर देखते हैं कि G2 फेज में क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G2 फेज में हर वो मेटेरियल बनाएगा जो M फेज को चाहिए। G2 फेज में हर वो मेटेरियल बनेगा जो M फेज को चाहिए। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ऑल मेटेरियल प्रिपेयर फॉर M फेज अकरिंग G2 फेज, राइट। जितना भी मेटेरियल M फेज को चाहिए यानी डिवाइडिंग फेज को चाहिए, सब कहाँ बनेगा, G2 फेज में बनेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक प्रोटीन में बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि M फेज है, राइट। तो M फेज में काम करने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगा, तो हम बोलेंगे G2 फेज में बनेगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा, G2 फेज में होगा, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, देखो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल डिवीजन, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा तो पॉलीमराइज करके वही स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज अगर मान लो आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हो चुका है, राइट, आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड एस फेज में हो गया है, अब यहाँ पे सेंट्रियोल आएगा। अब ये सेंट्रियोल क्या करेगा, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन मिलकर इधर से बाइंड करेगा, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन इधर से बाइंड करेगा। यानी ये जो है क्रोमोसोम का एक प्रोटीन का डिस्क होता है, राइट। क्रोमोसोम के पास एक प्रोटीन का डिस्क होता है सेंट्रोमियर के रीजन में, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन बाइंड किया है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल फाइबर, एंड दिस स्पाइनल फाइबर बाइंड विद काइनेटोकोरिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। और काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर अलग है, राइट, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर अलग है। काइनेटोकोर वो रीजन है जो सेंट्रोमियर के ऊपर में प्रेजेंट है, और इट इज अ प्रोटीन डिस्क। यानी ये क्या चीज का डिस्क है, प्रोटीन का डिस्क है, समझ में आ रही बात। तो जितना भी ट्यूबुलिन है वो ट्यूबुलिन क्या करेगा, आगे चल के पोलीमेराइज होगा, और पोलीमेराइजेशन से क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर, राइट। अब ये ट्यूबुलिन ये दो तरह का होता है, ये ट्यूबुलिन क्या क्या है, एक अल्फा ट्यूबुलिन है एंड एक बीटा ट्यूबुलिन है। यही दोनों मिलके पॉलीमराइज करके स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा कहां, G2 फेज में। काम कहां करेगा, M फेज में। आप पढ़े होंगे प्रोफेज, राइट, M फेज का, यानी माइटोसिस या मियोसिस डिपेंडिंग अपन द सेल टाइप। अगर सेक्स सेल में हो रहा है तो M फेज कहलाएगा मियोसिस, अगर सोमैटिक सेल में हो रहा है तो M फेज कहलाएगा माइटोसिस। तो ये माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह से माइटोसिस और मियोसिस एक दूसरे से
डिफर है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है और दोनों सेल क्या बनता है, आइडेंटिकल बनता है। और मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनता है और चारों सेल क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल होंगे। यानी चार सेल अगर ये डिप्लॉइड में हो रहा है मियोसिस, तो चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। दूसरा प्रोटीन जो एम फेज में काम करता है, सबसे मेन प्रोटीन है जो एनाफेज में बहुत मदद करता है, जिसके कारण ये दोनों, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो क्रोमोसोम है, अगर ये रेप्लिकेटेड हो जाए, इस तरह से रेप्लिकेटेड हो जाए, तो यहाँ जो ये चिपका हुआ रहता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये जो चिपका हुआ रहता है, दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड कोहेसिन। और इस कोहेसिन को तोड़ने का काम कौन करता है, एपीसी, है ना। तो एपीसी एनाफेज में करेगा काम। तो एनाफेज में ही क्या होता है, सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड का सिग्रीगेशन कहाँ होगा, एनाफेज में। यानी ये दोनों अलग होगा, तब ना दोनों अलग होगा तो क्रोमोसोम अलग अलग बोलेंगे। तो यहाँ पे एपीसी प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा, एपीसी को ही साइक्लोसोम बोलते हैं, राइट। और मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एपीसी जब एनाफेज आएगा तो मैं बताऊंगा एपीसी में दो तरह का प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन को बोलते हैं सेपरेट, एक प्रोटीन को बोलते हैं सैकुरिन। अभी मैं एनाफेज में इसका एक्शन को शो करूंगा, राइट, इसका फंक्शन में एनाफेज में बताऊंगा। तो एपीसी और साइक्लोसोम एक ही बात है, राइट। अब ये प्रोटीन भी कहां बनेगा, तो जी टू फेज में बनेगा। कहां बनेगा, जी टू फेज में बनेगा। तो जी टू फेज में देखो हर वो प्रोटीन बनेगा जो एम फेज को चाहिए, राइट। अब यहां पर क्या होगा कि जी टू फेज में ये प्रोटीन बनाने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, है कि नहीं, ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा एंड ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस। क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन बनाने के लिए आपको ये दोनों प्रोसेस करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, दोनों प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस आपको जी टू में होगा और जीवन में भी होगा, लेकिन किसके लिए होगा, एस फेज के लिए। जीवन में भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, जो किसके लिए होगा, एस फेज के लिए होगा। और जी टू में भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन किसके लिए होगा, ये प्रोसेस होगा आपको एम फेज के लिए। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन और एपीसी प्रोटीन कहां बनेंगे, जी टू फेज में बनेंगे, क्योंकि ये ट्यूबुलिन और एपीसी दोनों एम फेज में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मैं स्टार देके एक प्रोटीन का नाम बता रहा हूं। देखो ये माइटोसिस मियोसिस दोनों में बनेगा, इसलिए मैं कॉमन कर दिया, लेकिन स्टार देके पॉइंट बता रहा हूं। एक प्रोटीन का नाम है, एक एंजाइम का नाम है, जिसका नाम है रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज और प्लस साइनेप्टो निमल कॉम्प्लेक्स। ये दो प्रोटीन है जो कहां बनेगा, ये दो प्रोटीन जी टू फेज में बनेगा, लेकिन इसका काम कहां है, ये काम करेगा मियोसिस के प्रोसेस में, है ना। आप जानते हो रिकम्बिनेज रिकम्बिनेशन करवाता, वो पैकेटिंग स्टेज में होगा, राइट। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर करवाता। तो मैं आपको ये मियोसिस में दोनों का फंक्शन बताऊंगा। तो ये सब प्रोटीन भी मियोसिस में है, जो कॉमन है वो कॉमन है माइटोसिस और मियोसिस में, लेकिन मियोसिस में वेरिएशन शो होता है। वेरिएशन के लिए रिकम्बिनेज एंजाइम होगा, रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, रिकम्बिनेशन करेगा, क्रॉसिंग ओवर करवाएगा, जिसके कारण मियोसिस के दौरान हम लोगों में वेरिएशन होता है। हम लोग माँ बाप से अलग है 10% बिकॉज ऑफ मियोसिस, है ना, क्योंकि वेरिएशन होता है ना। और वेरिएशन बहुत जरूरी है, अगर आपको एनवायरमेंट में सरवाइव करना है तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन करोगे तो ज्यादा एडप्ट करोगे, है ना, एनवायरमेंट को। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जीवन और जी टू फेज दोनों में हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा। नीट में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस किस फेज में होता है, तो जीवन एंड जी टू फेज में। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो जीवन फेज में जो क्रोमोसोम था वो 2n और 2c था, राइट। और एस फेज में जो हुआ 2n और 4c बनने वाला था, राइट। लेकिन यही 2n और 4c तुमको देखने को मिलेगा जी टू फेज में, और फिर एम फेज में भी चेंज होता है, यानी यहां पे चेंज हो गया और एम फेज में भी चेंज हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जीवन एंड जी टू फेज। जीवन एंड जी टू फेज एक ऐसा फेज है जिसमें जो क्रोमोसोम जिस फेज में गया वो कांस्टेंट रहा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आया।
देखो यहाँ पे 2n2c था, कोई चेंजेज नहीं, यहाँ 2n4c था, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है। अगर 2n और 4c भी है तो आप ये इसको नहीं कहेंगे कि जी टू फेज में 2c बन गया, जी टू फेज में 8c बन गया, नहीं बोल सकते। यानी ये दोनों फेज क्या है, नॉन वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होता है। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे अगर देखें, अगर इसका 2c ही अमाउंट है जीवन में, तो ये नहीं कि जीवन में 4c बना लेगा, 4c बनेगा आपको कहां, एस फेज में। लेकिन देखने को कहां मिलेगा, जी टू फेज में। अगर जी टू फेज में 4c है तो ये नहीं कि जी टू फेज में गया तो 8c बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जीवन है, जी टू फेज क्या है, कॉन्स्टेंट फेज रहता है कि ये क्रोमोसोम या डीएनए अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एस फेज में चेंज होगा, देखो 2c था, यहाँ क्या हो गया, 4c हो गया। यानी इसको ऐसे ही ना दिखाते हो, एस फेज को 2c से क्या बन रहा है, 4c बन रहा है, यानी चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ जो 4c आया, फिर जब सेल बनेगा, डिवाइड होगा, तो 2c जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ एम फेज और एस फेज दोनों फेज चेंज है। और एक बात और जानते हैं कि देखो, मैंने पढ़ाया था कि एम फेज के बाद होता है जीवन फेज, इसीलिए जीवन फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। और लेकिन जी टू फेज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज, ठीक है, इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। हमेशा याद रखेगा, ये थोड़ा सा उल्टा लगेगा लेकिन है यही करेक्ट है। तो आपको जीवन फेज को क्या बोलेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज, एंड जी टू फेज को क्या बोलेंगे, प्री माइटोटिक फेज बोलेंगे। और ये प्री माइटोटिक फेज है, यानी माइटोसिस से पहले, और ये एम फेज के बाद होता है, इसलिए जीवन फेज को पोस्ट माइटोटिक। आप लोगों को लगेगा कि जीवन फेज जो होता है वो प्री माइटोटिक होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला फेज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीवन फेज तभी आता है जब एम फेज होता है, जीवन फेज तभी आएगा जब एम फेज हो जाएगा। तो एम फेज के बाद जो फेज आता है उसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, है ना। और इसमें आप लोग को पढ़ाया था, इसमें जो टाइम लगता है वो 4 आवर्स लगता है। यहाँ पे लिख देता हूं, टाइम कितना आवर्स है, 4 आवर्स लगता है ना। तो 4 घंटे इसमें लगा। ये ह्यूमन सेल का मैं बढ़ा रहा हूं, ह्यूमन सेल जो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, जिसमें मैंने आपको बढ़ाया था कि यहाँ पे जीवन फेज में 11 घंटा लगता है, एस फेज में 8 घंटा लगता है, जी टू फेज में 4 घंटा लगता है, और एम फेज में 1 आवर लगता है। यानी 11 और 8 19 19 4 23 और 1 24, यानी एक ह्यूमन सेल डबल होगा कितने देर में, 24 आवर्स में डबल होगा। तो ये सारा मटेरियल हमको जी टू फेज में तैयार होना चाहिए पहले से, ताकि हम एम फेज में इसका एक एक करके यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट फेज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोसिस, राइट। और माइटोसिस में कि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, और माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है, प्रोफेज से टीलोफेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, ओके। तो ये वीडियो में इतना ही, आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे माइटोसिस, ओके। थैंक यू।